हेलो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, जिसे हिंदी में कहा जाता है बहुपद। इसका हम आज करेंगे उदाहरण नंबर 1, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, जिसमें आपको दिया गया है जो ये ग्राफ दिए गए हैं, जो इतने भी ग्राफ दिए गए हैं, ये सारे ग्राफ आपके कैसे हैं, y इक्वल टू पी एक्स के ग्राफ है, जिसमें जिसमें जो ये पी एक्स है ना, ये आपका एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, जितने भी यहाँ पे ग्राफ है वो सारे कैसे हैं, y इक्वल टू पी एक्स ग्राफ है। और आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि जो भी ये ग्राफ है इन सब में शून्य कितने, क्या कितने होंगे सबके, एक एक करके सबको बताना है कि इसके कितने शून्य हैं, इसमें कितने, इसके कितने, जिसे हम जीरोस बोलते हैं वो आपको फाइंड करना है। ये फाइंड कैसे करते हैं, इसका पता कैसे लगाते हैं, ये हम आज सीखेंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला काम होता है आपका, सबसे पहले इसको पार्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें आप अगर देखिए जो ये है ना, यहाँ पे जो कर्व हो रहा है ऐसे करके जा रहा है जो लाइन, ये है आपका क्या, पी एक्स, मतलब पॉलिनोमियल का जो वेरिएबल है, जो चर है वो एक्स वाला। आपको क्या करना है, ये जो एक्स एक्सिस है उसमें ये लाइन कितने बार इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है, या कितने बार टच कर रही है, मतलब कि वहां स्पर्श कर रही है, वही आपके उसके क्या होते हैं, शून्य होते हैं, जीरोस होते हैं। तो एक्स एक्सिस पर सिर्फ एक गेरा, यहाँ पर सिर्फ एक बार कर रही है ना, हाँ वाई पे कर रही है, तो वाई का नहीं गिनना है। क्यों, क्योंकि ग्राफ सारे कैसे हैं, ये सारे ग्राफ है, सारे ग्राफ है वाई इक्वल टू पी एक्स, मतलब आपको एक्स वाला काउंट करना है, एक्स वाला काउंट करना है। ठीक है, तो इसके शून्य कितने होंगे, जीरो कितने होंगे, आप लिखिएगा जीरोस कितने हैं इसके, वन, हिंदी में क्या लिखेगा, शून्य, शून्य कितने हैं, एक है बस, शून्य कितने, एक। क्यों एक है, क्योंकि जो वाई इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ है इस वाले पार्ट में, पहले वाले पार्ट में एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद कर रहा है, तो एक ही शून्य होगा। ठीक है, अब हम इसकी बात करें, इस ग्राफ में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो ये ग्राफ है, इस जो ग्राफ में जो आपका पी एक्स है, जो बहुपद है, वो कैसा एक कर्व है, ये कर्व है, ये कौन सा कर्व है, ये डाउनवर्ड है, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड, मतलब नीचे की तरफ है, और ये अब ऊपर, ये वाला पॉइंट कैसा है, अब ऊपर ऊपर की तरफ है, मतलब ये क्या है, सैड, उदास हो रखा है, और ये कैसा है, स्माइल, स्माइल क्या करता है, एकदम ऐसे करना, मतलब स्माइल है। ठीक है, ये दोनों कभी भी दो इस टाइप पर कभी भी मिले ना, उसको बोलते हैं पैराबोलास। कौन से ग्राफ है ये, इसका नाम है पैराबोलास। अगर आपको ऐसा ग्राफ है, पूछे कौन सा ग्राफ है, आप लोग नाम बोलोगे पैराबोला। हिंदी बोलते हैं परवलय, हिंदी में क्या बोलते हैं, परवलय। आपके बुक में है ये, इसके बारे में दिया हुआ है, तो मैंने इसलिए अलग से ये बता दिया। जब भी आपको मिले कैसा ग्राफ मिले, डाउनवर्ड वाला और अपवर्ड वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, इनका नाम क्या है, परवलय, पैराबोलास। ठीक है, ये समझ गए, अब आते हैं अपने टॉपिक पे। इसमें क्योंकि ग्राफ सारा क्या है, वाई इक्वल टू पी एक्स, तो सिर्फ एक्स वाला काउंट करोगे आप, तो एक्स वाले में कितना दिख रहा है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, कितने हैं, दो, तो शून्य कितने हैं, दो शून्य है, तो आंसर होगा आप लिखोगे शून्यों की संख्या दो। यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखो, एक दो और एक यहाँ पे तीन, इसमें आंसर कितना हो सकता, तीन, तीन शून्य, तीन जीरो। इस पे आते हैं, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे कितना है, एक, आंसर होगा एक। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ये कट नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, स्पर्श कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, तो टच वाला भी आप काउंट करेंगे, सिर्फ एक यहाँ पर, ये एक पॉइंट है, सिर्फ एक, सिर्फ टच करके जा रहा है। अगर ग्राफ ऐसा होता ऐसे, तो ये दो से यहाँ हुआ था, तो फिर ये एक और एक दो, लेकिन सिर्फ टच करके जा रहे हैं, इसलिए एक है। यहाँ कितने हैं, एक दो तीन चार, यहाँ शून्य की संख्या कितनी है, चार। सबको समझ में आ गया ये वाला, बिल्कुल आ गया सभी को समझ में। लेकिन अगर इसको आप चेंज कर दें, अगर आपको बोला जाए कि एक्स इक्वल टू पी वाई का ग्राफ, अगर आपको बोला जाए एक्स इक्वल टू पी वाई ग्राफ, जिसमें ये पी वाई क्या होगा, बहुपद पॉलिनोमियल होगा, उसका वेरिएबल क्या कहा जाएगा, वाई। तो इस कंडीशन में आपको
वाई एक्सिस पर कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, टच कर रहा है, तब गिनो के वाई वाले। जैसे कि मैं देता हूं एक एग्जांपल, इसमें इस वाले का बताओ शून्य की संख्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ जीरो अगर फाइंड करना है, क्योंकि मैंने बोला है एक्स इक्वल टू पी वाई, मतलब वाई वाले पे आप देखोगे कितने बार हुआ, तो वाई पे सिर्फ ये रहा एक वाई, सिर्फ एक है। लेकिन अगर इसकी बात करें वाई इक्वल टू पी एक्स की, एक्स वाले गिनो भी एक दो तीन होगा। ध्यान रखना कि आपको क्वेश्चन क्या दिया है, वाई इक्वल टू पी एक्स है या एक्स इक्वल टू पी एक्स है, ये वाला टर्म देखने को मिलता है, पर कंफ्यूजन करने के लिए दे सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको y वाला कहना है, और जब y इक्वल टू px होगा तो x वाला काउंट करोगे कि x पे जो ग्राफ है वो कितने बार प्रतिच्छेद कर रहा है, कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके हिसाब से आप उसका आंसर लिख दोगे कितने शून्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से करना है इस क्वेश्चन को। दोस्तों अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका पहला पार्ट हम करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो ये एक बटा चार दिया हुआ है और एक ये माइनस एक दिया, ये क्या दिया है, तो ये दिया हुआ है आपको शून्यकों का योग, सम ऑफ द जीरोस 1/4 और शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस -1। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है द्विघाती बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिनके ये चीजें दी हुई है। अब इसे निकालने के दो मेथड आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो आपको सही लगेगा तो आप अपना लेना। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला, क्योंकि एक बटा चार क्या दिया है, शून्यकों का योग सम ऑफ द जीरोस, इसका मतलब ही आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ये। अल्फा बीटा क्या होता है, शून्यक होते हैं, जीरोस होते हैं, वो आपको दिया है एक बटा चार। एक चीज और क्या है, दूसरा चीज क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, ये डॉट का क्या मतलब है, इंटू कितना है -1, क्योंकि सम ऑफ द जीरो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला क्या कहता है, माइनस बी बाय ए, फॉर्मूला कहता है ये होता है माइनस बी बाय ए, और ये कितना है बराबर में पोटेंशियल, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द जीरो वो होता क्या है सी बाय ए होता है फॉर्मूले के हिसाब से, वो है माइनस ए। आप देखो क्या इसके नीचे मैं एक लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब एक काम करके कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, क्या करेंगे कंपेयर तुलना करेंगे, यहाँ ए कितना है चार, यहाँ ए कितना है एक, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। सबसे पहले ए को हमें निकालना होता है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस कैसे करें, इस एक को किससे गुना करो ये चार आ जाए, आप यहां से बोलिएगा कि नीचे में चार गुना ले लीजिए सर, चार एकदम चार बनेगा, ऊपर में भी वही देना है जिससे बैलेंस रहे। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा ए चार है और यहाँ ए वन है, तो इस एक को चार कैसे बनाऊ, ये चार कैसे बनाऊ, चार से गुना करके बनेगा, नीचे ले लिया ऊपर में लिया। अब देखो इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, सी बाय ए की वैल्यू कितनी आ रही है, चार गुना माइनस एक माइनस चार बटे चार, अभी ये चार अभी ये चार, तो बैलेंस हो गया है। ठीक है, अब हमारे आंसर आएंगे, ए की वैल्यू चार आ गई, पीछे और क्या दीजिए, माइनस बी कितना है ए, माइनस बी कितना है ए, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए माइनस बी अगर एक है तो बी की वैल्यू क्या होगी, एक काम करिए ना इस माइनस को यहाँ भेज दीजिए तो साइन चेंज नहीं होगा, या फिर आप इस वे में समझिए कि b की वैल्यू अगर मैं -1 रख, b की वैल्यू -1 में रख दूं, तो ये माइनस ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा प्लस का वन, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है -1, b की वैल्यू कितनी है माइनस, और c की वैल्यू बड़ी साफ साफ दिख रही है कि c की वैल्यू -4। जैसे हमने a b c निकाल दिया, एक जो द्विघाती बहुपद होता है उसका मानक रूप क्या होता है, उसका मानक रूप है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी, और ये ए बी सी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे द्विघाती बहुपद हमारा आ जाएगा, तो ए की वैल्यू हमने रखा 4x2, बी की वैल्यू -1 है तो -x आएगा -x, और सी की वैल्यू है -4, तो ये जो आंसर आया है ये हमारा वो द्विघाती बहुपद आया है जिसके शून्यकों का योग क्या दिया था 1/4 और संयोग का गुणनफल कितना दिया था -1, ये हमारा द्विघाती बहुपद आ चुका है।
ये हो गया एक तरीका जिसमें हमने फाइंड किया, ठीक है। एक तरीका और हम डिस्कस करेंगे, सेकंड मेथड क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला है, द्विघाती बहुपद निकालने का फॉर्मूला है, द्विघाती बहुपद, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला, इक्वल लगाया हमने, फॉर्मूला क्या है ध्यान दीजिएगा, के के का मतलब होता है कांस्टेंट, एक कांस्टेंट नंबर होता है, ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस एक्स बताऊंगा एस का क्या मतलब है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब इसमें जो ये एस है और ये पी है इसका मतलब समझा रहता हूं मैं, एस का क्या मतलब है, इस फॉर्मूले में जो एस है ना, एस का मतलब है सम ऑफ द जीरोस, जिसे हिंदी में बोलते हैं सुनेगो का योग, और सुनेगो का योग क्या होता है, अभी बताया था अल्फा प्लस बीटा होता है, क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, यस। पी का क्या मतलब है ये भी समझ लीजिए, पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, और इसका मतलब हुआ अल्फा इंटू, मतलब सुनेगो का गुणनफल। ये फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, आलिफ्रा में मिल जाएगा आपके फॉर्मूला, अच्छा फॉर्मूला है, हेल्पफुल फॉर्मूला है, कभी कभी जल्दी हमें आंसर निकालना है तो ये फॉर्मूला बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये स्टेप्स ज्यादा होते हैं आपके, ठीक है, तो ये भी हमारे देखिए काम आता है बहुत ज्यादा, तो आगे करते हैं कंप्लीट। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दो माइनस सम, सम मतलब अभी बताया मैंने अल्फा प्लस बीटा, और आपको इस क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रहे ना 1/4 दे तो रखी है, तो लिख दो यहाँ पर, और साथ में कौन है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी है माइनस वन है ना, माइनस वन लिख दो, हमने क्या करा वैल्यू पुट कर लिया, हमारा आंसर अभी नहीं आ रहा, पूरा आंसर नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो ये 1/4 है एक रेस्ट नंबर एक फॉर्म में से क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो हमें ये आंसर नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या होगा आपके एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा हुआ मिल सकता है, एमसीक्यू में आया तो एमसीक्यू में चार ऑप्शन में ये मिल सकता है, जिसमें से के आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा या मिल भी सकता है, और कभी कभी प्रॉपर ऐसे मिलेगा, तो अगर आपका आंसर ऐसा नहीं मिल रहा तो इसको आगे सॉल्व करें, कैसे करेंगे ध्यान, हम इनका एलसीएम निकालें, इसके नीचे एक ले लेंगे, इसके नीचे भी एक ले लेंगे, चार, और इन एक का एलसीएम कितना आएगा चार, एक की पार का चार चार पार में आता है तो यहाँ आएगा फोर एक्स स्क्वायर माइनस चार के पार में चार एक बार में आता है वो ऐसा कैसा आ गया एक्स, एक के पार में चार चार बार में आता है चार एक पर चार गुना हो गया आया, ठीक है यहाँ तक क्लियर होगा। अब इस चार को बाहर निकाल लो, के नीचे में ले लो के बटे में चार, और ये ब्रैकेट अभी रहेगा, ठीक है, ऊपर देखिए क्या आया है फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और क्या है माइनस चार। अब देखिए फाइनल आंसर ये रहा, ये आपका आंसर है वही यहाँ बॉक्स का आंसर है, ये जो के बटे में चार है ये क्या है सर एक्स्ट्रा क्यों है ये बताइए, वही बता देते हैं, ये आपका एक कांस्टेंट है, मतलब जो भी आपका जो एक्स्ट्रा नंबर्स होंगे ना डिनोमिनेटर में होंगे या ऊपर में भी हो सकते हैं वो कॉमन निकाल के आप बाहर के साथ ले लोगे, क्या है ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट ये कांस्टेंट नंबर है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है आपका, तो फाइनल आंसर क्या है ये आपका है, ठीक है, जैसा ये आया देखिए यहाँ पे ये है एक ये फॉर्मूला आपके काम का, ये भी आपको आना चाहिए, और ये मेथड तो हमने सिखाया था आपको पहले, ठीक है, जो भी अच्छा लगे कमेंट करिए कौन सा अच्छा लगा है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, आगे और कोशिश कर दूँ एक दो एग्जाम्पल्स और आपको ऐसे ही सिखा दूँ और जी, ठीक है, तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें और कमेंट करके आपने बातें रखें क्वेश्चंस में कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, कैसे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं शेयर करिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें, ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय।